بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اسامہ شرازی، عائشہ شرازی، ورثہ شرازی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ویورز، آج ہم بنا رہے ہیں آلو والے سموسے. بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور بنانا بھی بہت ہی آسان ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آلو والے سموسے بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ کیسے بنائے جاتے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. سوا کلو کے لگ بھگ میدے ہمارے پاس، یہ ڈیڑھ کپ، سوری اور یہ آدھا کپ آئل ایڈ کر لیں گے. مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے. سخت ہاتھوں سے گھومنا ہے. یہ ایک چمچ زیرہ ایڈ کر لیں گے بیچ میں اور ایک چمچ نمک. جی نمک بھی ہماری ایڈ ہو گئی. اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے. تو ویورز کچھ اس طرح دکھ رہے ہیں. سخت ہاتھوں سے گوندھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ میدا ہم نے گوندھ لی ہے. تو اب اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ یہ سموسے بنانے کے لیے ریڈی ہو جائے. یہ ہمارے پاس اونین یعنی کہ پیاز درمیانے سائز کے دو باریک کٹے ہوئے شامل کر دینی ہے. تین سے چار ہری مرچیں درمیانی سائز کی ایڈ کر دینی ہے اور یہ ہرا دھنیا. سب کچھ ایڈ کرنے کے بعد آدھے چمچ نمک اور جو آلو ہم نے پیس لیے تھے، یہ زیادہ پیسنے نہیں ہیں، پیسٹ ہی بنانا، بس بڑے بڑے ذرا رکھنے ہیں. سوکھا دھنیا تقریباً ڈیڑھ چمچ، اس طرح مسل کے اندر ایڈ کر دینا. یہ سب چیزیں ایڈ ہو گئی. مسالہ ہمارا تیار ہونے والا ہے اور یہ سارے جو انگریڈینٹس ہیں یہ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے، کوئی کسر نہ باقی رہے. الحمدللہ مسالہ ہمارا بالکل تیار ہو چکا ہے. ابھی ٹرائی کر دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں گے. ویورز، پیڑے ایک دم چمکتے ہوئے ہونے چاہیے، بیچ میں کوئی کریک نہیں ہونا چاہیے، تقریباً اس طرح.
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए कुछ इस तरह से है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस, उन्नीस पेड़े बन गए और एक पेड़ा भी बन रहा है, तो टोटल बीस पेड़े हैं और इंशाल्लाह चालीस समोसे बनेंगे इंशाल्लाह। ये लीजिए बीस पेड़े हो गए और चालीस समोसे इंशाल्लाह बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेल लेंगे पेड़े को। बिस्मिल्लाह, इस तरह पलटते जाएंगे और पेड़े को बड़ा करते जाएंगे और पेड़े को सारे साइड से इक्वल रखना है, हर तरफ से एक साइज का ही प्लेन होना चाहिए, सर्कमफ्रेंस वगैरह सारा कुछ एक ही तरह का होना चाहिए और इसको दो इक्वल पार्ट्स यानी सेमी सर्कल में डिवाइड कर लेने, बिल्कुल सीधा और एक जितने होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कर लिए, इस तरह उठा लेंगे। कुछ इस तरह से रख लेने में हाथ पे और अब इसके अंदर मसाला ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिस तरीके से ऐड कर लेंगे फिल कर लेंगे पट्टी को, और इन दोनों को इस तरह मिला लेंगे। ज़ूम कर लेंगे, साइड से इक्वल करेंगे ताकि सर्कमफेरेंस एरिया बराबर हो जाए सर्कल का। और एकदम सेंटर से टू पार्ट्स में इक्वल करना है। इस तरह कर लेंगे और फिर ये हाथ इस तरह रखना और ये इसके अंदर इस तरह, और अब फिलिंग करेंगे। बिस्मिल्लाह, इस तरह जरा हल्का सा जोर लगाने
ताकि जब फ्राई करे तो तभी ओपन ना हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ही जबरदस्त लग रहा है। जब ये जब इस तरह बन जाए तो इस तरह नीचे रख के इस तरह करूंगी, हर एंगल से इस तरह करूंगी। इस तरह कर लेना, साइडों से नहीं, बस इधर नीचे जगह से, ताकि जरा सख्त भी हो जाए, अच्छा भी लगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद पलटते जाने। गैस तो मैंने सी रखनी है और बार बार पलटते रहने और बादामी कलर लेके आने, ब्राउन, लाइट ब्राउन। सारे इक्वल मीडियम के इक्वल टेम्परेचर पे रहने चाहिए। कलर आ रहा है बीच में तो अब ये बस थोड़ी देर बाद उतार लें। टेम्परेचर थोड़ा सा हाई कर लेना। सेकेंड राउंड चल रहा है हमारा, एहतियात से एक ही साइड से सारे डाल दें। ब्राउन कलर आने तक बाहर नहीं निकालने और बार बार पलटाते रहने, सारे एक ही जैसे ब्राउन होने चाहिए, देखने में अच्छे भी लगेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कलर आ रहा है समोसे में, तो अब कुछ ही देर बाद उतार लेने हैं। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, तो अब ये हम लोग बाहर निकाल लेंगे। सही से निचोड़ेंगे, ताकि ऑयल अच्छी तरह निकल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त तैयार हुए हैं समोसे, फाइनली तैयार हो चुके हैं। तो अब ये उमर और आयशा को सर्व करते हैं और साथ में हमारा एक कज़न भी आया हुआ है मेहमान, फहद उसका नाम है, आज आपको वो भी नज़र आएगा। तो उन तीनों से फीडबैक लेते हैं कि कैसे बने। जी आयशा, माशाल्लाह भैया बहुत मजेदार है। जी उमर, माशाल्लाह भैया बहुत मजेदार है। जी फहद, माशाल्लाह भैया बहुत मजेदार। अल्लाह ताला आपको शाद और आबाद रखे, अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे, आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। इसी के साथ बच्चों के दस्तरखान रूप को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।